मस्क मतलब आप देख सकते हो क्यूट क्यूट से। एंड देन वी हैव टमेटोज, यहाँ पे टमाटर उगाए हुए हैं तो वो देख सकते हो आप। टमाटर बहुत है अपने पास, बहुत कुछ है। ठीक है, मेरा पर्सनल फेवरेट इस घर का जो एरिया है वो है बैकयार्ड। 1 2 3 Fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आप देखेंगे मेरा घर। तो देख सकते हो बाहर से ये दिखता है बिल्कुल ऐसा। ये है डस्टबिन्स, अलग अलग होते हैं तीनों, ड्राई, वेट और घास डालने के लिए। तो बाहर से दिखता है ऐसा और बाहर एक छोटू सा गार्डन है। एंड देन ये है मेन डोर, आप देख सकते हो। मैंने दिखाया बाहर दरवाज़ा, उससे हमने एंट्री करी। तो यहाँ से एंटर होते ही दिस इज़ द फर्स्ट रूम, यहाँ पे है पहला रूम जो निकुंज भैया और ग्रीष्मा भाभी का है। अभी वो घर पे नहीं है तो वी वॉन्ट ओपन। और इधर से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो तीन रूम है लगातार। ये दूसरा वाला जो है वो मेरा है और वो लास्ट वाला है अनिल भैया का है। बट एक बार इसको छोड़ के और यहाँ पे आइए, ठीक है। तो वहाँ से एंटर करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है हमारा ड्राइंग हॉल, देख सकते हो। दीज आर द सोफास, और यहाँ पे सारा स्टॉक करके रखा है सारा सामान। और सोफ़ा के जस्ट सामने है टीवी, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी सारा सामान स्टॉक करके रखा हुआ है। एंड जैसे थे टाइनी एसी जो गर्मी में चलाते हैं, अभी तो ठंड है। और यहाँ पे हैं हमारे भगवान जी जो मैंने शॉर्ट में भी दिखाए हैं, दैट्स निकुंज भैया के भगवान जी एंड दैट्स अनिल भैया के भगवान जी। तो यहाँ पे अच्छे से पूजा करते हैं वो। और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी दिखता है, बट ये अभी बंद है, बंद कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है किचन। अभी किचन में ये है हमारा डाइनिंग टेबल, तो यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है खाने पीने का, देख सकते हो, आलू, अनियंस, वो सब सबका। और यहाँ पे हैं दो फ्रिज, दैट्स ऑफ अनिल भैया, दैट्स ऑफ निकुंज भैया। तो निकुंज भैया वाले में ही मेरा भी सामान रखा रहता है। खोल के दिखा दूँ मैं आपको सारा। तो ये है फ्रिज, और ये है ग्रीष्मा भाभी के क्यूट क्यूट से कार्ड्स, और ये है गैस। और गैस के नीचे यहाँ पे ऐसा होता है, मैं बता दूँ आपको चालू कैसे करते हैं। इसको दबा के ये बचता है और फिर वो फायर हुई वहाँ पे। इसको पकड़ के रखना पड़ता है थोड़े टाइम और उसके बाद छोड़ दो तो वो चालू रहेगा। मेरे को ये सीखने में थोड़ा टाइम लग गया था। उसके बाद देख सकते हो ये कभी यूज़ नहीं किया मैंने। और यहाँ पे सारे कबर्ड्स हैं, ये सारे कबर्ड्स, यहाँ पे डस्टबिन है इसमें, और इसमें मेरा सामान है, और ये भी कबर्ड है। सारे इतने सारे कबर्ड्स हैं, बहुत सारे, और फिर ऊपर भी कबर्ड्स है, कबर्ड्स ही कबर्ड्स। और ये सारे बर्तन हैं हम सब लोगों के। एंड यहाँ से दिखता है बहुत प्यारा सा बैकयार्ड, मैं दिखाती हूँ। मेरे घर का सबसे फेवरेट पार्ट ना बैकयार्ड है। देखो कितना सही मौसम हो रखा है और बहुत सुंदर बैकयार्ड है। अब देखो ये है नल, ठीक है। इसमें होती है यहाँ पे एक तो ये रेड साइड और वो दिख रहा होगा आपको ब्लू साइड। तो रेड साइड में आप हैंडल को घुमा के नल चालू करोगे तो आएगा गर्म पानी, और ब्लू साइड में करके चालू करोगे तो आएगा ठंडा पानी, ठीक है। पानी अभी ज़्यादा चालू नहीं करेंगे क्योंकि वाटर बिल आता है, ओके। यहाँ से हम निकल के आएंगे किचन से यहाँ। तो यहाँ है हमारी लॉन्ड्री का सारा सामान, दैट्स कॉल्ड वॉशिंग मशीन, पता ही होगा आप सबको। तो ये वॉशिंग मशीन है और इसमें किसी के कपड़े डले हुए थे अभी, तो ये बंद करना कर देते हैं, चलो। तो मशीन हमने बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ से है हमारा बैकयार्ड का दरवाज़ा। तो सुंदर सा बैकयार्ड आपको दिखाते हैं, चलिए। ये है प्यारा सा बैकयार्ड, बहुत सुंदर सा, बहुत बड़ा सा। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मेरे को डोलू की याद आती है, क्योंकि डोलू को बहुत पसंद है खुले मैदान में ऐसे भागना। तो ये देख सकते हो आप बैकयार्ड है, और यहाँ पे डस्टबिन रखा है हमने ड्राई वेस्ट के लिए। और आपको बैकयार्ड की कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाती हूँ मैं, आइए। तो ये है प्रिया भाभी ने यहाँ पे उगा के रखा है, इसको कहते हैं मस्क मेलन। एंड प्यारे प्यारे मस्क मेलन आप देख सकते हो क्यूट क्यूट से। एंड देन वी हैव टमेटोज, यहाँ पे टमाटर उगाए हुए हैं तो वो देख सकते हो आप टमाटर, ठीक है। और बाकी कुछ कच्चे टमाटर भी हैं यहाँ पे। और फिर ये है पुदीना, देखो
बहुत सही है, एकदम ग्रीन ग्रीन सा पुदीना है यहाँ पे। पर्सनल फेवरेट इस घर का जो एरिया है वो है बैकयार्ड, क्योंकि यहाँ पे एकदम मतलब बहुत ही सही वाइब्स आती हैं, स्पेशली जब मौसम ऐसा हो रखा हो, बिल्कुल धूप नहीं है आज और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है बहुत अच्छी अच्छी सी, जैसे इंडिया में नहीं होता अपना वेदर, बिल्कुल वैसा हो रखा है आज का वेदर, तो बहुत प्यारा सा वेदर है, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये जो एनर्जी मिलती है ना, पॉजिटिव वाइब्स, वो बैकयार्ड में आके मिलती है। ते हैं कपड़े सुखाने का, तो यहाँ पे हम लोग सुखाते हैं, और उधर भी है, वो दिख रहा होगा आपको, लगा हुआ है, टंगा हुआ है वहाँ पे, और वो नीचे भी है, तो बहुत है अपने पास, बहुत कुछ है, ठीक है, देख सकते हो। और ये स्पेयर सोफ़ा भी पड़ा हुआ है एक यहाँ पे, कर देंगे बंद और हम आएंगे अंदर। अभी अंदर आके आपको मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर देती हूँ तो ठीक से दिखेगा। तो लाइट ऑन कर दिया हमने, तो देख सकते हो दिस इज़ टॉयलेट एंड दिस इज़ बाथरूम। बाथरूम का भी मैं आपको लाइट ऑन करके बता दूँ, तो ये है बाथरूम, दिस इज़ बाथटब एंड दैट्स शावर। तो ये है हमारा बाथरूम, एंड अभी आपको हम दिखाते हैं मेरा रूम, ये सो दिस इज़ मेरा प्यारा सा रूम। वो है मेरा बेड, वो है सोफ़ा, मैं कल रात को बहुत लेट सोई थी, वो टॉवल को ना गोली मारना क्योंकि मैंने जल्दबाजी में वीडियो बनाना है, तो ये वहीं पे रह गया है, तो देख सकते हो आप वो। और यहाँ पे ना कबर्ड नहीं है, तो मेरा अभी सामान सारा ऐसा है यहाँ पे, बट अभी इतनी नीड नहीं है मेरे को, नीड जब पड़ेगी तब हम कबर्ड भी ले आएंगे, ठीक है। तो ये है मेरा रूम, देख सकते हो आप, क्यूट सा, प्यारा सा, ओके पूरा। Now, so this was my first house in Australia. I hope you liked it. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।